बिहार से पहुंचे विधायक प्रमोद कुमार ने दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू का भ्रष्टाचार में संरक्षण कानून व्यवस्था बहाल करने में विफल और जन आकांक्षाओं को धोखा देने वाले विधायक का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता ली। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए बिहार से पहुंचे प्रवासी विधायक प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं की अनदेखी, बेतहाशा भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में गुणवत्ता विहीनता, खराब कानून व्यवस्था जैसे अनेकों मुद्दों पर आरोप लगाते हुए मंगलवार को दुर्ग भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान विधायक प्रमोद कुमार ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के रिसाली नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को समाहित करके वर्तमान विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू भ्रष्टाचार के संरक्षक, कानून व्यवस्था बहाल करने में विफल और जन आकांक्षाओं को धोखा देने वाले विधायक साबित हुए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में समस्याओं का अंबार लगे होने की बात ही उन्होंने कही। साथ ही कहा कि जन समस्याओं के निराकरण से ज्यादा वे कमीशन खोरों की प्रथा को निभा रहे हैं। कांग्रेसी ठेकेदारों की भलाई में लगे रहने का आरोप भी उन्होंने लगाया और साथ ही कहा कि वैसे गृह मंत्री हैं जो अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा वह बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि रिसाली नगर निगम क्षेत्र सहित पूरे विधानसभा में विधायक साहू के संरक्षण में अवैध कब्जों की बाढ़ सी आ गई है। भाजपा पार्षदों के वार्ड की अनदेखी करते हुए विकास कार्यों में भेदभाव किए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया और साथ ही कहा कि गौठान योजना केवल दिखावे की है, गाय आज भी रोड में है जिससे एक्सीडेंट होकर जनता घायल हो रही है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण इलाके के बारे में चर्चा करते हुए ये भी कहा कि रसमड़ा और बोरई में ITI खोलने की घोषणा करके विधायक आज गायब है। नगपुरा में कॉलेज नहीं खुला लेकिन कॉलेज का नामकरण कर दिया गया। निकुम में भी कॉलेज बनाने का झूठा वादा किया गया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने का वादा करके विधायक मुँह छुपाए घूम रहे हैं। अंजोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला। नगपुरा कोटनी ओवरब्रिज निर्माण अधूरा है। कोटनी पीपर छेड़ी बेलौदी तिरगा झोला विनायकपुर में रेत और मुरम का अवैध खनन विधायक के संरक्षण में होने की बातें भी उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए भाजपा की सरकार जल्द बनने का आश्वासन देते हुए प्रतिक्रिया दी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार पिछले 8 दिनों से घूम रहा हूँ और जनता जो है एकदम तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और यहाँ के जो विधायक और गृह मंत्री हैं उनको सत्ता मुक्त करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं ये और इनके बेटा, बाप बेटा की कारगुजारी से जनता त्रस्त है। आप नगर निगम में चले जाओ, गांव में चले जाओ, जो सरपंच हैं उस सरपंच का काम वह नहीं कर रहे हैं, इनके सत्ताधारी ओटर्नी कर रहे हैं ओटर्नी। और जिस शासन का 5-5 अधिकारी जेल में हो, जिस शासन का 5-5 अधिकारी जेल में हो उस शासन का हालात क्या होगा आप समझ नहीं रहे हैं। ये हम तो मीडिया को धन्यवाद देंगे कि प्रतिदिन मीडिया एक से एक घोटाला को सामने ला रही है। आज के अखबार में था ना कि सट्टा वाले लोग अब पकड़ में आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, ED की कार्रवाई हो रही है, CBI की कार्रवाई हो रही है, 200 करोड़ का भूमि घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया। तो ये घोटालेबाजों की सरकार जो 36 वादे किए 10 वादे पूरा नहीं किए और इसी तरह यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं, जनता त्रस्त है और ये सरकार जाएगी और कमल का फूल आएगा और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। रिसाली जो नगर निगम है उसका हालात ये है कि वहाँ के कर्मचारी का तलब नहीं मिल रहा है, EF नहीं मिल रहा है और वहाँ मच्छर के दवाई नहीं छींटे जा रहे हैं और वहाँ कागज़ पर काम करा के रुपया उठाए जा रहे हैं। तो मैं रिसाली का मैं वहाँ नगर निगम के खिलाफ कल धरना दिया था, मैडम थी ही, तो उसके जो कमिश्नर हैं वह सामने नहीं आए। तो मैं रिसाली नगर निगम क्षेत्र मेरे ग्रामीण क्षेत्र में है,
उसकी मैं बात आपको बता रहा हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।